बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम चौपाल में। साल 2024 शुरू हो चुका है, कृषि में हमारा देश अग्रणी है। जी हाँ, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं सबका साथ हो, सबका विकास हो और सब उन्नति और तरक्की करें, किसानों की आय दोगुनी हो। इसी विषय पर बात करने के लिए आज इस चौपाल में, जी हाँ, दूरदर्शन केंद्र भोपाल में आज हमारे मध्य प्रदेश के कोने कोने से किसान आए हैं और चर्चा में शामिल है विकसित भारत बजट 2024 में। हमारे साथ है हमारे सहयोगी सुनील। और रानी जी, हमने ये भी देखा कि पिछले बजट की बात करें तो काफ़ी नई योजनाएं लाई गई थी, पुरानी योजनाओं को बढ़ाया गया था, पुरानी योजनाएं में तमाम प्रयास किए गए थे ताकि वो योजनाएं किसानों के लिए बेहतर हो सके। लगभग मेरे ख्याल से पिछले साल से इस बार 7.5% ज्यादा है। बिल्कुल, तो किसान भाइयों, माना जा सकता है कि रानी जी का जो होमवर्क है वो बहुत सही है। किसान भाइयों से ही समझेंगे, विशेषज्ञों से समझेंगे कि वो इस बजट को लेकर क्या उम्मीदें रखते हैं। बिल्कुल, हमारे किसानों से हम बात करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे किसान जो है, हमारे त्रिलोक सिंह जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या प्रतिक्रिया देते हैं आप? सभी किसान भाइयों को राम राम। आज विकसित भारत बजट 2024 के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर भोपाल में इकट्ठे हुए हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। मेरा अनुमान है कि विकसित भारत बजट में खेती को अच्छी खेती करने के लिए, विकसित खेती करने के लिए हमको 4 से 5 चीज़ों की मूलभूत आवश्यकता होती है। अच्छी मिट्टी, अच्छा बीज, अच्छा संतुलित खाद, पानी, बिजली और दवाएं। इन सब बातों को किसान जैसे तैसे जुटाकर फसल पैदा करता है और जब फसल अच्छी पैदावार आती है, हम पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश जो है अच्छी पैदावार कर रहा है, मगर एक कहीं ना कहीं एक टीस किसान के मन में रहती है कि हम उत्पादन तो कर लेते हैं मगर हमारे उत्पादित फसल का समय पर सही भाव नहीं मिल पाता है और उस स्थिति में हमको मजबूरी में हमारी फसलों आधे दाम में बेचना पड़ती है। कि जिस प्रकार हमारे मध्य प्रदेश क्षेत्र की फसलें जैसे कि सीहोर का गेहूं, मालवा का आलू, प्याज, लहसुन, जो भी उत्पादित फसलें हैं सब बहुत गुणवत्तापूर्ण और बहुत क्वालिटी वाली होती है, मगर हमारी फसलें समय पर सही दाम न मिलने के कारण बहुत कम दाम में बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। तो मेरा सरकार से ये मांग है कि हमारी फसलों को सही दाम, किसान को लाभकारी मूल्य मिले, किसान की आय डबल हो, इसके लिए सरकार ये चाहे कि हमारी फसलों की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, ग्रेडिंग करने के लिए और उसको सही बाज़ार में बेचकर सही किसान को मूल्य दिलाने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था की जाए जिससे हमारी फसलें सही मूल्य पर बिकें और हमको सही दुगना लाभ प्राप्त हो। बिल्कुल, त्रिलोक प्रकार की मांग चाहते हैं कि उनका जो समर्थन मूल्य हो वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले उनको। बिल्कुल, और हम अब बात करना चाहेंगे, हमारे वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हमारे साथ बैठे हुए हैं, डॉक्टर जेके कनौजिया जी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज जैसा कि हम लोग विकसित भारत के बजट पर चर्चा करने के लिए और विशेष तौर से कृषि के क्षेत्र से हो और हमारे अभी किसान भाई ने जो मुद्दे यहाँ पर उठाए हैं, इन मुद्दों पर सरकार पहले से भी कार्य करती रही है और इन समस्याओं को, जो हमारे किसानों की समस्याएं हैं, उन पर कार्य तो होते रहे हैं और देश ने उस दिशा में काफ़ी तेज़ी से अपनी गति भी ली है। लेकिन इसके उपरांत भी कहीं ना कहीं जो हमारा कृषि क्षेत्र है वो थोड़ा सा अन्य क्षेत्रों की तुलना में पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे किसान ने अभी उठाई हैं, उनको मैं अपने शब्दों में यदि कहूँ तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारे कृषि क्षेत्र में जो लगा हुआ वर्क फोर्स है, जो हमारा वर्कर है, उसको सम्मानजनक आमदनी का विकल्प हमको देना होगा जो इस बजट से अपेक्षित है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि हम ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए हमें प्रोसेसिंग की तरफ ज़्यादा थ्रस्ट करने की ज़रूरत है। आज हमें स्टोरेज फैसिलिटेशन जो है, जो वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है या कोल्ड चेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस तरफ में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता महसूस हो रही है। दूसरी बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो थोड़ा सा जो फोकस है, जो हॉर्टिकल्चरल क्राप्स है, हमारा जो डेयरी सेक्टर है, लाइव स्टॉक जो सेक्टर है, जो फिशरीज सेक्टर है, जो सीधे तौर से हमारे कृषि के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देता है, वहाँ पर थोड़ा सा विशेष उस दिशा में सोचकर अगर बजट में कुछ प्रावधान किया जाता है तो स्वाभाविक है, जो
जो आज रोजगार की जो बात हो रही है, हम हमारे कृषि क्षेत्र में एक बहुत बेहतर रोजगार के अवसर दे सकते हैं। तीसरी जो बात यहाँ है, जो हम सबके लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि इस सब को करते हुए हम आज जब विकसित भारत में कुछ सोच लेके आए हुए हैं, तो हमें इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारा जो रिसोर्स है, विशेष तौर से सॉयल एंड वाटर, इसमें जो डिग्रेडेशन हो रही है, जिसके चलते आज न केवल हमारा किसान प्रभावित हो रहा है, बल्कि हमारा क्लाइमेट चेंज में भी बहुत जबरदस्त उसका कंट्रीब्यूशन आ रहा है, दिखाई दे रहा है, स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहा है। इसके लिए भी रणनीति बनाने की आज आवश्यकता है, और हमारे बजट के माध्यम से हम एक क्षेत्र विशेष में एग्रीकल्चर को क्या डाइवर्सिफाई करके, किसानों को कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करके, क्या उसको डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ले जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो स्वाभाविक है कि हमारी कृषि जो है विकसित कृषि की ओर अग्रसर। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही तथ्यों के आधार पर यहाँ पर बात कही, और सबसे बड़ी बात रानी जी यही है कि तथ्यों के आधार पर हम बात करते हैं, लेकिन अब यदि किसानों की बात कर लें तो कई ऐसे किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं जिनका इस बजट को लेकर क्या सोचना है। बजट में किसानों के लिए हमारे को उचित मूल्य दाम मिलना चाहिए, किसानों को सब्सिडी के लिए बढ़ाना चाहिए, ड्रिप पाइप लाइन स्प्रिंकलर, जिसके बाद छोटी छोटी योजनाओं पे शासन सब्सिडी देती है, इसके लिए बड़ी योजनाओं पे और भी सब्सिडी दे, और किसानों को किसान सम्मान निधि भी बढ़ाया जाए, और प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर भी किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जाए, और शासन सब्सिडी बढ़ाए। किसान को लागत मूल्य नहीं निकल रही, खेती में मजदूरी इतनी बढ़ गई है, और जिसके बाद हम दाम मंडी में बेचने जाते हैं तो कम भाव मिलता है। इसके लिए मेरी शासन, केंद्र शासन, राज्य शासन से अनुरोध है कि किसानों को सब्सिडी की दर, किसान सम्मान निधि और शासन उचित मूल्य पर हमारी फसल का दाम बढ़ाया जाए। जी, पीएस रघुवंशी जी हैं जो कृषि अर्थशास्त्री हैं, हम उनकी भी राय जानना चाहेंगे कि किस तरह वो विकसित भारत बजट 2024 को देखते हैं, और किसानों की मांग के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जैसा कि अभी हमारे किसान भाइयों ने चर्चा की है कि आगामी बजट में उनके लिए क्या क्या अपेक्षाएं, तो हमारे जो बजट में जो मुख्य चीज आवश्यकता है, वो दो प्रकार की आवश्यकता है। एक तो किसान को प्रत्यक्ष फायदा और दूसरा अप्रत्यक्ष फायदा। प्रत्यक्ष फायदा में तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है और किसान सम्मान निधि की बात है, वो सरकार के द्वारा किसान भाइयों को दी जाती। अर्थव्यवस्था को हमारे कैसे, हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था गांव को कैसे बिजनेस सेंटर में, कैसे व्यापारिक केंद्रों में कन्वर्ट करें, ये मुख्य जरूरी है। इसके लिए अप्रत्यक्ष निवेश की ज़रूरत है। इसके माध्यम से चाहे रोड हो, ट्रांसपोर्ट हो, इरीगेशन हो, बिजली हो, हमारे वेयर हाउस हो, कोल्ड स्टोरेज हो, इन सब का विकास करना जरूरी है, जिससे कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था व्यापारिक अर्थव्यवस्था में बदल सके। जैसे आप देख लीजिए, हर जगह, मतलब हर 10-20 गांव के बीच में एक प्रोसेसिंग सेंटर जरूरी है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा यह होगा कि हमारी कृषि में जो भी पैदावार होती है, जो भी उत्पाद होते हैं, उनमें शीघ्रनाशी गुण होता है, मतलब वो जल्दी ख़राब होते हैं। जैसे दूध का ले लीजिए, कुछ घंटे में ख़राब हो जाएगा, तो अगर दूध नहीं बिक पाता तो प्रोसेसिंग के माध्यम से हम मावा बना सकते हैं, हम पनीर बना सकते हैं, हम घी बना सकते हैं, जो दूध ना बिके उसका हम भरपूर उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम फल सब्जियां ले लीजिए, ये भी कुछ दिनों में ख़राब होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना बिक सके वो तो बिक जाएगा, वो बाकी हम प्रोसेसिंग करके, चाहे केचप के माध्यम से हो, जूस के माध्यम से हो, स्लाइस के माध्यम से हो, इन सब माध्यम से हम उन प्रोडक्ट का उपयोग कर सके, जिससे कि वो खराब ना हो। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर जी। सुनील, बिल्कुल बिल्कुल सही बात यहाँ पर सर ने बोली, और काफी विशेषज्ञों के आधार पर हम बात करें तो बहुत पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने यहाँ पर बात रखी। लेकिन रानी जी, एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो युवा किसान है जो लगातार खेती में आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने किस तरह से अपने व्यापार को शुरू करा, ये समझना बहुत जरूरी। जी बताइए। जी, मेरा नमस्कार सभी को। मेरा नाम प्रवीण रघुवंशी है, मैं बैतूल जिले का एक मधुमक्खी पालक हूँ। मैंने शुरुआत मधुमक्खी पालन से किया। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें अब सुनहरी क्रांति की ओर अग्रसर होना है,
तो उसी चरण में लगभग 4 सालों से मैं मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ और लगभग 4000 किसानों के साथ में मधुमक्खी पालन से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे मधुमक्खी पालन में किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या है, समस्या ये है कि जैसे अन्य फसलों में समर्थन मूल्य होता है, वैसे ही शहद का कोई भी समर्थन मूल्य नहीं है, जिस कारण से किसानों को जो बीच में बिचौलिए होते हैं वो अपने मनमाने रेट से शहद खरीदते हैं। इसके अलावा जब मधुमक्खी पालन करने के लिए कोई भी व्यक्ति अग्रसर आना चाहता है तो अलग अलग जिलों की अलग अलग स्कीम के कारण उनको सब्सिडी का फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो हमारे पूरे मध्य प्रदेश के हर ज़िले में अगर मधुमक्खी पालन पर अगर सब्सिडी मिलती है तो वो मधुमक्खी पालन में काम कर पाएगा। जी बिल्कुल, मधुमक्खी पालन के साथ साथ चाहते हैं कि प्रसंस्करण यूनिट्स पे भी काम हो और अलग अलग राज्यों के लिए, अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग सुविधाएं भी होनी चाहिए। जी हाँ, हम और भी बात करना चाहेंगे, हमारे जो और किसान भाई हैं उनके भी हम प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि किस तरह से वो चाहते हैं। जी, हमने अनुभवी किसानों से बात कर ली है, क्यों ना युवा किसान की तरफ हम आए और उनसे जाने की आखिर उनकी क्या उम्मीदें हैं, पिछला बजट और इस बजट में कितना अंतर देखते हैं? हमको समर्थन मूल्य अच्छा मिलना चाहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल समर्थन मूल्य की इनकी मांग है और ये चाहते हैं कि समर्थन मूल्य अच्छा मिलना चाहिए। बिल्कुल सुनील, चाहते हैं कि जो इस समय हमारी जो बजट, हमारी जो अर्थशास्त्री हैं, हमारे जो मंत्री हैं, वो ये चीज़ चाहें कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को मिले। हम अपने बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्तियों से जानना चाहेंगे कि हमारे किस तरह से हमारे जो किसान हैं। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मैं कृषक जगदीश नागर, निवास मेंढ की धाकर, जिला देवास। आज विकसित भारत बजट की हम बात करते हैं, मैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ इसके माध्यम से कि खेती को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। बहुत सही, खेती को उद्योग का दर्जा मिलेगा तो हमारी फसल है, हमारी उद्यानिकी की फसल है, हमारा दूध का उत्पादन है, उसका रेट हमको उचित मूल्य पर मिलेगा। जब हम फसल पैदा करते हैं और मार्केट के अंदर फसल बेचने जाते हैं, मंडी के अंदर हम जब माल लेके जाते हैं, उस समय जब हमारी फसल पक के तैयार हो जाती है और वहाँ हमें औने पौने दाम में फसल बेचना पड़ता है, क्योंकि समर्थन मूल्य सरकार ने तय किया है, पर समर्थन मूल्य में सरकार को खरीदने की गारंटी होनी चाहिए कि उसका जब किसान का आज गेहूँ आता है तब गेहूँ अच्छे से उत्पादन होकर मार्केट में आता है और मार्केट में औने पौने दाम में बेचने में वो बच सकता है। इसलिए समर्थन मूल्य होना चाहिए जिससे हमें किसान को अच्छी दवाई, अच्छा खाद, अच्छी बिजली, अच्छा पानी मिले। तो अच्छी विकसित भारत की बात करें तो हमको अच्छी खेती करने में लाभ होगा। जी हाँ बिल्कुल मिलेगा हमारे किसान भाइयों। हम बात करना चाहेंगे हमारे डॉक्टर SD वर्मा जी से, प्रधान कृषि वैज्ञानिक हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? किसान भाइयों ने अभी मुख्य रूप से जो बात कही, जो हम लोग सुन रहे हैं, वो उन्होंने कहा कि उन्हें उसका भाव नहीं मिलता अपनी उपज का। दो तरह की हमारे किसान भाइयों की उपज होती है, एक तो वो हैं इस तरह के संपर्क जो कि शीघ्र खराब होने वाले उत्पाद होते हैं, चाहे फल सब्जी, दूध, डेयरी आदि होते हैं, और दूसरी हैं फसलें, अनाज। तो मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा, मैं चाहूँगा शासन से कि हमारा जो ई नेम कार्यक्रम है, ई नेशनल मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार, इसको बहुत मजबूत बनाने की ज़रूरत है। इसमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। इससे किसान भाई अपनी उपज पूरे देश में कहीं भी बेच सकते हैं उचित दाम पर, अच्छे दाम पर। तो इसको और मजबूत बनाने की ज़रूरत है और ये उत्पाद खराब ना हो, सही समय पर किसान बेच सकें, इसके लिए बहुत आवश्यक है हम ग्रामीण स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, गोडाउन बनाएं और इनको संरक्षित करने के उपाय करें। कोल्ड चेन है, दूसरे तरह के कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब चीज़ें करेंगे तो इसमें बचेगा। और साथ में मैं ये ज़रूर और कहना चाहूँगा कि किसान भाइयों को ये सब काम करने के लिए अब स्वसहायता समूह और FPO फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ना बहुत ही आवश्यक है, जिससे वो मिलकर काम कर सकें और सही उपज का मूल्य प्राप्त कर सके। बिल्कुल, FPO, जी हाँ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो इतनी अच्छी संस्था है किसानों के लिए सरकार ने शुरू की है। गुलाब सिंह जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो बहुत ही अच्छी तरह से FPO पे काम कर रहे हैं। हम उनके विचार जानना चाहेंगे कि FPO के लिए उनको और सुविधाएं हो, FPO और आगे बढ़े, FPO ही सही नहीं FFPO भी बढ़ जाए। जी हाँ जी, हाँ जी सर, मेरा नाम गुलाब सिंह मेवाड़ा है, मैं ग्राम बोरखेड़ी का एक सफल किसान हूँ और मैंने एक FPO बनाया है 2018 में।
तो मेरे साथ 5000 किसान हैं और 5000 किसानों को मैं जो किसान बिचौलियों से बचने के लिए जो एपीओ बनाए किसान उत्पादन संगठन उसमें हम काम करते हैं और मेरा 2024 का जो विकसित बजट आया है उसमें मेरा आदरणीय मोदी जी से ये कहना है, उन्होंने जो एक एपीओ सारे भारत में बनाया है तो 2018 में जितने भी भारत में एपीओ बने उनका थोड़ा बजट बढ़ा दिया जाए ताकि हम किसान के बीच में और एक अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसान उत्पादन से जुड़ के काम करेगा तो किसान की आय भी बढ़ेगी और किसान एक सक्षम भारत का किसान होगा। तो इसलिए मेरा 2024 का जो है बजट उसका स्वागत करता हूँ। हमारा हर जगह किसान उत्पादन संगठन बना है, हमारे उत्पादन संगठन में अभी हमारे साथ किसानों के लिए हमने कस्टम हायरिंग प्रोसेसिंग सेंटर जो चला रहे हैं तो उसके लिए हमारे एक ग्रीन पाली हाउस और कोल्ड स्टोरेज की भी ज़रूरत है ताकि हमारा किसान से जो हम फसल और सब्जी खरीदते हैं अगर वो आज मार्केट में नहीं जाती कल जाती है तो उसके लिए हमें कोल्ड स्टोरेज और बियर हाउस भी चाहिए। हमारे हम किसान से जानना चाहेंगे कि हमारे किसान बताएं कि किस तरह से आगे वो चाहते हैं, क्या समस्याएं हैं और किसका समाधान आपकी नज़र में क्या है विकसित भारत बजट में। जय सिया राम, मैं किसान मिश्रीलाल राजपूत, ग्राम खजूरी कला, जिला भोपाल। बीमा के क्षेत्र में मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि धान का क्षेत्र है, यदि धान का क्षेत्र है सरकार ने किया और कोई किसान मक्का लगाना चाहता है या सब्जी लगाना चाहता है तो उन किसानों को बीमा की सुविधा नहीं मिलती है, उसका बीमा होना चाहिए। दूसरा और कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में डेयरी व्यवसाय जो है, जो भी किसान डेयरी कर रहे हैं उन्हें अभी हरियाणा और पंजाब पर डिपेंड रहना पड़ रहा है, तो ऐसी नस्लें मध्य प्रदेश में विकसित की जाए, संस्थान खोले जाए और जहां विकसित नस्लें गाय और भैंसों की नस्लें हो जिससे किसान दूसरे प्रदेशों में जाना ना पड़े। तीसरा, सोलर एनर्जी पे जो सोलर पंप है उस पर सरकार द्वारा जो योजनाएं दी जा रही है उन योजनाओं को पुनः प्रारंभ कर और उसमें निश्चित ऐसा प्रावधान किया जाए जैसे किसान सम्मान निधि का सीधा पैसा किसान को मिल रहा है, वैसी की वैसी सारी चाहे वो स्प्रिंकलर योजनाएं हो या अन्य अनुदान वाली योजनाएं हो वो सीधी किसान को मिले, वो किसानों को 100% लाभ पहुंचाया जाए। बिल्कुल, बहुत सही बात सुनील जी कि हमारे किसान चाहते हैं कि सीधा लाभ का जो पैसा है वो उनके पास जाना चाहिए, ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ऐसी ई कॉमर्स बने, इस तरह से व्यवस्थाएं बने कि अत्याधुनिक तरीकों से जो विकसित हो रही है चाहे वो नेट के माध्यम से हो सकता है, ऑनलाइन पेमेंट्स के माध्यम हो सकते हैं कि इससे हमारे किसानों को सीधे आय मिले। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात रानी जी है यहाँ पर यह है कि कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपनी समस्याएं भी बताई हैं। मैं संजय शर्मा, जिला साजापुर से, ग्राम कुड़ाना से हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक मांग रखना चाहता हूं कि जब आयात निर्यात जो पॉलिसी हमारे देश की किसानों के पक्ष में होना चाहिए, यह जो निर्यात रोकने की जो प्रक्रिया है, यह किसानों के पास कितना माल है, कितना उनके पास भंडारण भरा हुआ है, उस पर ध्यान देकर कार्य करना चाहिए। किसान भी चाहता है, थोड़े से दाम चढ़ता है तो किसान भी चाहता है मैं थोड़े दिन और रोकूं ताकि मुझे और उचित दाम मिले, और जैसे ही निर्यात बंद होता है एकदम से मंडियों में दाम गिरते हैं, किसान घबराता है, तुरंत मंडी में पहुंचता है, बड़ी तादाद में मंडी में लाइन लगा करके और किसान लाइन में लग करके अपने होने पौने दाम पर अपनी फसल को बेच देता है और उससे क्या होता है वो बहुत बड़े घाटे में जाता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, शहर में आपने आए दिन देखा है कि 5 रुपये किलो प्याज, जबकि प्याज की लागत 10 रुपये किलो तक हो चुकी है, वही प्याज जब स्टॉक होती है तो आधी रह जाती है, अब जब आधी प्याज रह जाती है तो उसके दाम और भी घाटे के होते हैं, तो मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ। जाहिर सी बात है कि जहाँ पर किसान खुश हैं तो कहीं किसान नाराज भी हैं और ये सारी बातें सरकार तक पहुँचनी भी चाहिए और सरकार तक पहुँचेंगी तभी ये सारी बातों का अंत होगा। रानी जी, लेकिन इसके साथ ये भी है कि कई ऐसे किसान हैं जो ये सोचते हैं कि पिछला जो बजट था उसमें हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी, लेकिन हो सकता है आने वाला जो बजट है इसमें और उम्मीदें पूरी होंगी। सर, मैं दिनेश पाराशर, ग्राम बीलखेड़ा से हूँ। मैं ये कृषि के साथ साथ फलों की खेती को भी प्रोत्साहन किया जाए, उसके साथ डेयरी उद्योग को भी प्रोत्साहन किया जाए और उसमें अनुदान मिले। दूसरी चीज़ जो प्राकृतिक आपदाएं आती है उसमें विकसित भारत बजट में विशेष प्रावधान, जो प्राकृतिक आपदाएं आती है उसमें किसान को अनुदान मिले और उसका पूरा आकलन किया जाए, आरआई पटवारी द्वारा देख करके उसको देखा जाए किसान का कितना नुकसान हुआ है, उसके नुकसान की भरपाई की जाए बजट से। बिल्कुल, भरपाई बजट से की जाए, अनुदान से उसका
काम अच्छे तरीके से बने। बिल्कुल सर, लेकिन अब ये कार्यक्रम की अंतिम बेला है और यहाँ पर हमारे कुछ और किसान भाई हैं जो अपनी बात रखना चाह रहे हैं, बताइए सर। मैं सरकार से ये उम्मीद करना चाहता हूँ कि जो भी किसान अपनी फसल मंडी में ले जाता है वो अपना मूल्य खुद तय करें, और उस तय का करता है किसान तो उसकी अपेक्षाएं पे खरा उतरेगा। मेरी आप यही अपेक्षा है सरकार से। जी बिल्कुल, हमारे बन्ने सिंह दांगे जी से भी हम बात करना चाहेंगे कि किस तरह से वो क्या चाहते हैं और विकसित भारत बजट में क्या देख रहे हैं। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम बन्ने सिंह दांगी, जैविक कृषक ग्राम पोर्ट सेमरा दांगे का किसान हूँ। और साथियों कि किसान के लिए मेन चीज़ है पानी। पानी अगर सरकार किसानों के खेतों में पहुँचाएगी तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किसान की आय दुगनी होगी, निश्चित रूप से अपने आप दुगनी हो जाएगी। आज पानी की बहुत बड़ी समस्या है खेतों में, जो है पानी अभी पीने का भी पानी जो है किसानों को नहीं मिल पा रहा है। खेतों में तो पानी की जो है बहुत ही ज़्यादा कमी है। और दूसरा दूध की, आज किसानों से गांवों से जो दूध वाले दूध खरीद कर ला रहे हैं वो 25 और 30 रुपए लीटर दूध खरीद कर ला रहे हैं, और शहरों में वो दूध आकर के 50 रुपए लीटर बिक रहा है, वो भी पानी मिला करके। तो हमारी सरकार से यही आशा है कि वो इस पर ध्यान दें। और तीसरा जैविक खेती किसान करने के लिए किसानों से कह रहे कि जैविक खेती करें। जैविक खेती तो किसान करते हैं, लेकिन जैविक खेती को करके, क्योंकि किसान जब जैविक खेती करता है तो वैसे ही उसका जो उत्पादन आधा हो जाता है, और जब आधा उत्पादन हो जाएगा तो उसको डबल रेट में उसको बेचना पड़ेगा। लेकिन उसको बेचने के लिए वो जाए कहाँ? जो पुराने जैविक किसान हैं वो तो अपना उनका परिचय है तो वो अपना मतलब ये कि बेच रहे हैं, लेकिन कोई भी नया किसान अगर जैविक खेती करेगा तो वो उसको कहाँ बेचेगा? तो सरकार से हमारा अनुरोध है कि उसके लिए प्लेटफार्म तैयार करे, मंडी में उसकी व्यवस्था की जाए ताकि वो अपना जैविक जो है उत्पादन बेच सके। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात दांगी जी ने कही है। वर्मा जी, आपसे एक विशेषज्ञ जानकारी आपसे लेना चाहेंगे संक्षिप्त में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर गांव लेवल पे नहीं बनेगा तो वो अपने उत्पादों को वहां नहीं रख पाएंगे, और जब सही समय आए उस समय वो उसको बेच सकते हैं। जी बिल्कुल, और मैं फिर कहूँगा जैसे हमारे साथी किसान भाई कह रहे थे कि FPO और स्व सहायता समूह जब बनेंगे तो आपस में मिलकर काम करेंगे और उसमें इस तरह से वो उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है कि ये जो बजट अब तक सरकार के द्वारा लाए गए हैं वो सारे बजट किसानों के हित में है, लेकिन इस बजट में और भी गुंजाइश है इसे बेहतर करने की। तो ये रहा हमारा आज का चौपाल कार्यक्रम विकसित भारत बजट 2024 के लिए। जी हाँ, भोपाल के आसपास के हमारे मध्य प्रदेश के आसपास के जितने भी हमारे किसान थे वो सब यहाँ आए हैं, कुछ अनुभवी, कुछ युवा और विशेषज्ञों के साथ हमने आज यहाँ पर विकसित भारत बजट 2024 पे चर्चा की। बहुत उम्मीदें हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो हमारे किसानों के लिए और तोहफे देंगे। जी हाँ, विकसित भारत होगा, विकसित हमारा राष्ट्र बनेगा, हमारे किसान खुशहाल बनेंगे। आप सभी हमारे इस कार्यक्रम में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम। राम राम।